सो हेलो एंड वेलकम गाइस, यार स्वागत करता हूँ आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल टेक शुरू पर। तो जैसे ही गाइस आपने थंबनेल पर पहले से ही देख लिया होगा कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है, तो यहाँ पर आज के इस वीडियो पर हम बताएंगे। बहुत सारे बंदों ने मुझे यहाँ पर कमेंट किया है कि भाई हमारा जो एप्लीकेशन है या फिर हमारा जो गेम है तो ऑटोमेटिक सा वो बैकग्राउंड से हट जाता है या फिर गेम ऑटोमेटिक सा बैक हो जाता है और रैम मैनेजमेंट प्रॉब्लम तो है ही। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा फ़ोन है रियलमी C11। और यहाँ पर एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, ये ट्रिक हर सेम फ़ोन पर या फिर हर अदर्स फ़ोन पर भी ये काम करेगा, तो यहाँ पर आप जस्ट फॉलो करते रहना टिप्स एंड ट्रिक्स को। तो यहाँ पर जो अभी हमारा फ्री फायर है वो हम यहाँ पर ओपन करेंगे, तो यहाँ पर मुझे भर भर के कमेंट आ रहा है कि भाई रैम मैनेजमेंट के ऊपर एक वीडियो बनाओ, रैम मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो बनाओ। तो यहाँ पर एक वीडियो आपके लिए आ चुका है यार, फिर यहाँ पर देख सकते हैं जो टिप्स ट्रिक्स आपको बताएंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहना, कुछ यहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट या फिर कह सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दिए जाएंगे, और वैसे भी इसका एक साइड इफ़ेक्ट भी है तो हम वो सारी चीज़ें भी बताएंगे। और ये जो वीडियो है तो स्पेशली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो यहाँ पर मल्टीमीडिया उतना यूज़ नहीं करते, सिर्फ ओनली गेम खेलते हैं, तो उनके लिए ये तो एकदम लगभग टॉप लेवल का टिप्स होने वाली है। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं ये हमारा डिवाइस है, और यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं दिखाऊंगा। तो चलिए यहाँ पर हम पहले गेम पर ओपन हो जाते हैं। तो बहुत सारे बंदे कहते हैं कि हमारा जो गेम है तो वो फिर से रीस्टार्ट हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम अब ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमने गेम एप्लीकेशन को ओपन करा फ्री फायर, और यहाँ पर हम इसको बैक कर देते हैं। तो यहाँ पर बैक करने के बाद ये बैकग्राउंड से हट जाता है, या फिर जिनका भी बाई चांस ये बैक हो जाता है तो उनके लिए भी ये एक सोल्यूशन है। तो फिर से हम जब गेम पर जाते हैं तो ऑटोमेटिक से हम जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो गेम है तो ऑटोमेटिक से यहाँ पर से हट चुका है। तो यहाँ पर एक सोल्यूशन है मेरे पास जो कि यहाँ पर है स्क्रीन पिनिंग। तो यहाँ पर गाइस ये बेसिकली बच्चों के लिए यूज़ होता है, बट आप अगर ओनली गेम खेलते हैं तो आपके लिए ये यूजेबल या फिर कह सकते हैं यूज़फुल ट्रिक्स है, तो आप यहाँ पर इसको ट्राई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन पिनिंग पर क्या होता है कि आप अगर कौन सा भी एप्लीकेशन को आप चूज़ करना चाहते हैं तो उसको आप जब तक यूज़ करेंगे फ़ोन को तब तक के लिए स्क्रीन को पिन कर सकते हैं, जिससे कि आप बैक करेंगे तभी भी ये बैक नहीं होगा, या फिर बैकग्राउंड पर कोई भी एप्लीकेशन होगा तो वो उन सभी को वर्क करने नहीं देगा, सिर्फ एक ही एप्लीकेशन आपके सामने ओपन रहेगा जो आप चाहते हैं। और इसका हम कैसे स्क्रीन पिन, जैसे कि देख सकते हैं ये पहले ये वाला टू डॉट पर आता नहीं था, यहाँ पर इसको सेटिंग से ऑन करना पड़ता है, तो हम आपको सेटिंग भी बताएंगे लास्ट में। तो चलिए यहाँ पर जैसे कि स्क्रीन पिनिंग हमारा ये हो चुका है, तो अभी जैसे कि इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ पर अगर कोई भी फ़ोन कॉल आता है तो आपको वो दिखाई नहीं देता, बट यहाँ पर आपको सुनाई देता है रिंगटोन। और यहाँ पर अगर एप्लीकेशन बाय चांस आपके हाथ से बैक हो जाता है तो यहाँ पर ये बैक भी नहीं करा देता, सिर्फ यहाँ पर आपको ठहरना पड़ता है और कुछ भी नहीं। यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं होम बटन, और यहाँ पर हम जैसे कि रिसेंट बटन, कोई भी बटन टैप करेंगे और यहाँ पर आपको क्विट अगर करते हैं तो आपका जो गेम है वो यहाँ पर स्टॉप हो जाता है। बट आपको मैं सजेस्ट करूँगा आप ऑलवेज कैंसिल पर टैप करें, जिससे कि आपका गेम प्ले आप कर सके। तो ये वाला एक सेटिंग था। तो यहाँ पर अभी बात करते हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं, तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ। तो स्क्रीन पिनिंग को ऑन करने के लिए सिंपल सा गाइस आपके कोई भी फ़ोन पर जाना पड़ेगा सेटिंग पर, और यहाँ पर सर्च आइकन पर जाके यहाँ पर हमें स्क्रीन पिनिंग को सर्च कर लेना है। तो नॉर्मली ये स्क्रीन पिनिंग ऑप्शन आ जाएगा, बेसिकली यहाँ पर ये ऑफ रहता है, तो यहाँ पर आप बाय डिफ़ॉल्ट इसको ऑन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ऑन करके इसको रख देना, तो अभी के लिए मैं इसको ऑफ कर देता हूँ या फिर मैं फिर से ऑन कर लेता हूं। बात आती है कि स्क्रीन पिनिंग को हम कैसे ऑफ करें, तो सिंपल सा जैसे कि यहाँ पर हमने फेसबुक को ओपन किया, और ओपन करने के बाद यहाँ पर हम जो गेम प्ले है तो वहाँ पर थोड़ा हमें प्रॉब्लम हो रहा था स्क्रीन पिनिंग को ऑफ़ करने में। तो वहाँ पर आप अगर ऑफ़ करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग ट्रिक्स है। तो यहाँ पर हम जैसे कि फेसबुक पर हम इसको पिन कर देते हैं, और यहाँ पर हम इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पर हम अगर चाहते हैं कि स्क्रीन पिनिंग यहाँ से हमारा ऑफ़ हो, तो सिंपल सा एक ट्रिक्स है कि आप यहाँ पर राइट साइड एंड जो रिसेंट बटन है दोनों को एक साथ टैप करना पड़ेगा, तो तभी ये ऑफ़ हो जाता है ऑटोमेटिक से स्क्रीन पिनिंग, और इस तरीके से आपके सामने लॉक आ जाता है जो कि आपको पासवर्ड देके इसको ओपन करना पड़ता है। तो इस तरीके से आप स्क्रीन पिनिंग को ऑफ़ कर सकते हैं। और एक उपाय है आपका, अगर स्क्रीन पिनिंग नहीं हो रहा है ऑफ, या फिर आप कह सकते हैं गेम प्ले पर अगर आप अटक गए स्क्रीन पिनिंग पर, तो आपको सिंपल सा करना है। तो यहाँ पर गाइस आपका भी अगर गेम प्ले पर जो यहाँ पर हमारा गेम है तो यहाँ पर आपका स्क्रीन पिनिंग अगर बंद नहीं हो रहा है तो आपके पास और एक ट्रिक्स है, जैसे कि अभी मैं बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर हमारा गेम जो है तो पिन नहीं, मतलब अनपिन नहीं हो रहा है, तो इसके लिए सिंपल सा आपको पावर बटन टैप करना है। पावर बटन टैप करने के बाद आपको पावर को ऑफ़ कर देना है, और ऑफ़ करने के बाद ये जो है पावर ऑफ़ हो जाएगा और यहाँ पर आपका फ़ोन फिर से स्टार्ट होके
फिर से स्क्रीन पिनिंग जो है तो वो अनपिन हो गया, फिर से आपका नॉर्मली ऐप्स जो है या फिर आपका फ़ोन जो है तो वो चलना स्टार्ट कर देगा। तो जैसे ही गाइस यहाँ पर ये वाला एक साइड इफेक्ट है, और दूसरा यहाँ पर और एक साइड इफेक्ट है जैसे कि मैं बता रहा था। तो यहाँ पर अगर कोई भी आपको कॉल करता है तो वहाँ पर गाइस आपको सिर्फ रिंगटोन ही सुनाई देता है, आप उस फ़ोन को यहाँ पर अलाउ नहीं कर सकते या फिर आप उस फ़ोन कॉल्स को रिसीव नहीं कर सकते। तो ये वाली भी एक प्रॉब्लम है, और यहाँ पर बेसिकली ये सभी चीज़ें आप आराम से कर सकते हैं, बस कुछ चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर जानना है, जैसे कि स्क्रीन पिनिंग पर ये सभी चीज़ें होते हैं। तो बस यार आज की वीडियो में यही बताने वाले थे, और ये बेसिकली एक टिप्स था जो कि आपको बताना था, जिसको भी अगर गेम प्ले ज़्यादा करता है जो भी, तो उनके लिए ये बेटर ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन पिनिंग पर आप अगर गेम को रख देते हैं तो आपका कोई भी मतलब डिस्टर्बेशन नहीं होती, और आप आराम से स्मूथली अपने गेम प्ले को कर सकते हो। और वैसे भी इस वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो यार लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑल करके रख दे, जिससे कि हम अगले जो वीडियोस अपलोड करने वाले हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए यार मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर।